अप्रैल को भारत बंद की सोशल मीडिया पर अफवाह के चलते आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें कलेक्टर अनिल सचारी ने कहा कि भड़काऊ मैसेज डालने वालों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और बंद नहीं रहेगा। ऐसा लगने लगा था कि बाद में जाके और स्थिति खराब हो सकती है, पर ये लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के त्यौहार में भी शामिल होते हैं। जहाँ कहीं भी एक परिवार को दूसरे परिवार की आवश्यकता होती है, एक समाज को दूसरे समाज की आवश्यकता होती है, एक धर्म को दूसरे धर्म की आवश्यकता होती है, सभी लोग एक साथ आगे बढ़कर उसमें शाम मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो और सभी जातियों के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और सामाजिक सौहार्द और समन्वय जो सामंजस्य है उसकी एक मिसाल उन्होंने प्रस्तुत की थी। कल भी हमारी एक छोटी सी बैठक हुई थी, आप सभी उस बैठक में शामिल हुए थे। एसडीएम साहब और सर कानून व्यवस्था बनाने के लिए आपके साथ होता है, आप जैसा उनको मार्गदर्शन देते हैं, जैसे सुझाव देते हैं, उन सभी सुझावों को लेकर उस पर विचार करने के बाद बैठ के उस पर बात करके संवाद बना के उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए शांति बनाते हुए आगे बढ़ना है और मैं समझता हूँ कि आप सभी के मार्गदर्शन में हम लोग इस काम में सफल होंगे। और सबसे चर्चा हुई है, सभी ने बताया है कि हमारे यहाँ 10 तारीख को ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसके कारण की कोई रैली निकल रही हो। खबर से करा थी हमारे एसपी साहब, जो पुराने एसपी साहब थे कपूर साहब, अभी ट्रेनिंग में गए हुए हैं, नए एसपी साहब अभी प्रभार में हैं, अभी एसपी फिगरा के चार्ज में थे और 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े ही सफल अधिकारी हैं। आपका नाम भी मैं बता देता हूँ, संपत उपाध्याय साहब हैं, बहुत ही मजबूत और बहुत ही दिलेरी से काम करने वाले अधिकारी हैं। तो आपका मैंने शांति का टापू थे, मुझे फख्र है कि आप खुद आवाम भी और प्रशासन भी कहने लगा है मेरे विदिशा को कि मेरा विदिशा शांति का टापू था, है और उम्र भर रहेगा। ये हमारे हमें वक्त की बात है और जब विदिशा की बात आती है तो पूरे हिंदुस्तान में हमारे शहर का नाम सबसे पहले भाईचारे में और कानून व्यवस्था बनाने में आता है। अभी पिछले आंदोलनों में पूरे मध्य प्रदेश में कुछ भी हुआ हो लेकिन हमारे विदिशा में शांति के साथ आंदोलन चले। हम सब, हमारी भी जितनी भी टीमें हैं, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। किसी भी पत्र आजाद लेटर आजाद सब अपने को बंद करना, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ मोबाइल पर जरूर चल रही, व्हाट्सएप पर चल रहा था तो उसको भी एसपी साहब और आप लोग देखें कि यदि कहीं ऐसी कोई बात है उस पर जरूर निगरानी रखें साहब कि किसी एक दूसरे के मोबाइल में ये चीजें ना आए। तो प्रकार के जो मैसेज जिससे कभी शांति भंग में होने की संभावना रहती है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की संभावना रहती है, इस प्रकार के मैसेजों के लिए हमने 144 धारा लगा दी है। कोई भी अगर इस प्रकार का मैसेज अगर डालेगा तो उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी और 188 के तहत उस पर कार्रवाई होगी। तो इसीलिए लगाई गई है सिर्फ उस पर, ट्विटर, फेसबुक और इस पर जो भी कमेंट्स और गलत सलत मैसेज डालता है उसके खिलाफ ये धारा 144 के तहत हमने प्रतिबंध लगा दिया है। तो नहीं करता है तो इसीलिए उस पर 144 धारा लगाई गई। शहर में जो वातावरण तो है, मतलब मैसेज के माध्यम से बंद है नहीं है, असमंजस की स्थिति में शहर है। मेरा इसमें नहीं है, मेरी चर्चा हो तो मैं ये चाहता हूँ कि अनाउंसमेंट प्रशासन की ओर से या व्यापार संघ की ओर से ऐसा हो जाए।